वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है ब्रेजा का ZXi मॉडल, ZXi प्लस मॉडल, टॉप मॉडल इसका, इसके में आज हमारे सामने है। आज बात करने वाले हैं इसके अंदर क्या आता है 2023 के अंदर, गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स कंपनी देती है, वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये डिटेल वीडियो होने वाली है कि अगर किसी को ब्रेजा ZXi प्लस मॉडल लेना है आज की डेट में तो उसको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती है इंजन की और लेंथ की, और साथ साथ सीटिंग कैपेसिटी क्या है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, बात करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर लगती है वो इसके अंदर जो क्वाड सेटअप में इसके अंदर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, मतलब प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको DRL भी इसके अंदर प्रॉपर मिल जाती है, ऊपर इंडिकेटर का प्रोविजन इसके अंदर मिलता है। काफ़ी शानदार लुक इसके अंदर फ्रंट से देता है, मतलब टॉप मॉडल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ही यही लगती है आज की डेट में कि इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर काफ़ी अच्छे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो एक अपीलिंग लुक ब्रेजा के अंदर ऐड करते हैं। बात करूँ अगर मैं इससे प्रीवियस जनरेशन वाली ब्रेजा की, तो उसके अंदर भी जो हेडलैम्प्स मिलते थे वो काफ़ी अपीलिंग मेरे को लगते थे, और इस बार भी मारुति ने काफ़ी अपीलिंग हेडलैम्प्स इसके बना के रखे हैं। LED में ही हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED में ही इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड में फॉग लैम्प मिल जाता है, प्रोजेक्टर में नहीं मिलता फॉग लैम्प, रिफ्लेक्टर में मिलता है। फ्रंट बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो स्किट प्लेट मिल जाती है आपको सिल्वर कलर की, 360 कैमरा का प्रोविजन है, फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, सुजुकी का लोगो, प्रॉपर दो स्लॉट में इसके अंदर क्रोम ग्रिल मिलती है। फ्रंट का लुक काफ़ी अपीलिंग इसके अंदर निकल के आ जाता है टॉप मॉडल के अंदर। बात करूँ अगर मैं इसके इंजन की, तो इसके अंदर हमें इंजन मिलता है अंडर द हुड में 1462 CC, स्पेसिफिकली बोलूँ तो 1500 CC का इंजन मिलता है, जो 75 BHP 138 Nm का टॉर्क, 136 Nm का टॉर्क निकालता है, और काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन है। मतलब अगर देखें हम तो सिटी के लिए और हाईवे के लिए, साथ ही साथ हिल्स के लिए काफ़ी अच्छा इंजन बन जाता है। इंसुलेशंस प्रॉपर पीछे दे रखी हैं, ऊपर की बात भी करूँ तो इंसुलेशंस दे रखी हैं। ब्रेजा पहले भी 4-स्टार रेटेड गाड़ी थी मारुति की, तो उम्मीद इससे ये भी है कि कल को जब भी इसका क्रैश टेस्ट होगा तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अपने क्रैश टेस्ट के अंदर। तो ये कुछ था इसका फ्रंट लुक, और इंजन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताई दी। 1500 CC का पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल में अभी ऑप्शन नहीं है, CNG में लॉन्च हो चुकी है, बुकिंग खुल चुकी है, आप CNG में भी ले सकते हैं। जल्दी CNG वाली वीडियो भी मैं लाऊंगा। बाकी अगर अभी तक किसी को वैसे देखनी है CNG की ब्रेजा, तो मैंने ऑटो एक्सपो में शूट कर रखी थी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ ऑटो एक्सपो में आपको प्रॉपर एक स्लॉट मिलेगा, वहाँ प्रॉपर इसको चेकआउट कर सकते हैं कि ब्रेजा CNG का फर्स्ट लुक कैसा है। बात करूँ अगर मैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ में हमें इसके अंदर 16 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रेयर में ड्रम ब्रेक मिलती है, MRF के टायर इस टाइम पे दे रखे हैं इसके अंदर। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 215/60 R16 की इसके अंदर प्रोफाइल मिलती है, काफ़ी अच्छा टायर साइज़ इसके अंदर मिल जाता है हमें। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बल्की लुक इसके अंदर मिल जाती है हमें, जैसे एक SUV के अंदर प्रॉपर लुकिंग चाहिए होती है, एक स्टांस चाहिए होता है, वो ज़रूर से इसके अंदर ऑफर किया जाता है। साइड आर्चेस काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें मिल जाती हैं, चौड़ी साइड आर्चेस मिलती हैं जो प्रॉपर कवर करती हैं साइड को प्रॉपर चारों तरफ। और अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके अंदर हमें बॉडी कलर हैंडल्स ही मिलते हैं, क्रोम हैंडल्स नहीं मिलते, एसेसरीज़ में आप लगवा सकते हैं डोर हैंडल्स जो क्रोम वाले होते हैं। अंडर द विंडो में इसके अंदर कोई क्रोम नहीं मिलता हमें। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर रूफ रेल ज़रूर से मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा दे रखा है, ORVM भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर दे रखा है बड़ा, साथ ही साथ आपको LED में इसके अंदर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, 360 कैमरा का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बात करूँ तो डुअल टोन वाला वेरिएंट ये खड़ा है, इसके ऊपर वाला वेरिएंट कोई भी नहीं है, ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है ब्रेजा का इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर मारुति ऑफर कर रही है। डुअल टोन में काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये इस टाइम पे। तो चेक करते हैं एक बार इसकी रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा इसके अंदर लुक मिलता है, जो इसके अंदर टेल लैम्प्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक के साथ मिलते हैं, मतलब बेस मॉडल ले लो या टॉप मॉडल ले लो, टेल लैम्प्स आपको सेम मिलेंगे इसके अंदर, प्रॉपर LED बेस्ड टेल लैम्प्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, जो रिवर्स लैम्प है साथ ही साथ इंडिकेटर वाला इसके अंदर हमें यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर लुक निकल के आ जाता है। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग इसके अंदर नहीं मिलती, ब्रेजा की बैजिंग ज़रूर से आपको मिल जाएगी, सुजुकी की बैजिंग मिलेगी। ऊपर की बात करूँ तो मैं इसके अंदर हमें वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे, प्रॉपर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर फ्लूइड, तो कुछ ऐसा लुक निकल के प्रॉपर गाड़ी का निकल के आता है। तो रेयर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो नीचे बंपर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ भी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है, और 2 इसके अंदर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको, इसके अंदर आप बाद में आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स लगवा सकते हैं। बूट स्पेस की अगर यहाँ पे बात करूँ, उससे पहले मैं बता दूँ आपको कैमरे का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो बूट स्पेस अभी इसके अंदर नहीं खुल पाएगा, बट बूट स्पेस आपको चेकआउट में अंदर से करवा दूंगा। वैसे 328 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस आता है, गाड़ी की जो है बैटरी अभी लो है, उसकी वजह से बूट स्पेस पीछे से एक्सेस नहीं हो पाएगा,
तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी लो हो जाएगी तो आप पीछे से बूट स्पेस एक्सेस नहीं कर सकते। बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में डोर पैड का लुक आपको कुछ ऐसा इसके अंदर मिल जाता है। फैब्रिक में डोर पैड मिलता है, सिल्वर कलर की इसके अंदर लाइनिंग मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल्स, अनलॉक हैंडल जो उसका मिलता है आपको क्रोम में मिल जाता है। नीचे एक लीटर की पानी की बॉटल, कुछ इसके अंदर डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो चारों हेडरेस्ट इसके अंदर एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको। सेंटर में आर्मरेस्ट का प्रोविजन भी मिल जाता है और साथ ही साथ कप होल्डर का प्रोविजन इसके अंदर मिलता है। 60-40 स्प्लिट मिल जाती है। अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं लगेज की तो आप एक सीट फोल्ड करके बढ़ा सकते हैं। और ऐसी कुछ इसके अंदर बूट स्पेस मिलती है काफ़ी अच्छी, 328 लीटर की बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। हमें बात करूँ तो यहाँ पर हमें ग्रॉसरी हुक मिलता है, जो यहाँ पे आप ग्रॉसरी में कुछ भी टांग सकते हैं। नीचे की बात करूँ अगर मैं तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, दो इसके अंदर हमें यूएसबी सॉकेट्स मिल जाते हैं, कोई 12 वोल्ट का सॉकेट का पंगा ही नहीं है। हम्प मिलता है डिसेंट साइज़ का, हम्प है, ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं है। आइसोफिक चाइल्ड सीट दोनों साइड मिल जाती हैं, अगर आप अपने स्पेसिफिक सीट में अपने बच्चे को बिठाना चाहते हैं तो आप बिठा सकते हैं। ऊपर की बात करूँ तो इसके अंदर हमें बूट लैंप भी प्रॉपर प्रोविजन में मिलता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सनरूफ दे दिए, यस सनरूफ दे दिए यहाँ पे, तो जो लैंप है उसको यहाँ से हटा के इन्होंने प्रॉपर पीछे ही कर दिया। तो ये चीज़ है कि अगर आपको लैंप चाहिए तो वो बूट वाला लैंप भी आप कंसीडर कर सकते हैं उसे, और पीछे के लिए कैबिन लैंप भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लंबर सपोर्ट भी डिसेंट इनफ इसके अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ था इसका इंटीरियर का पीछे से लुक। बात करते हैं इसके अंदर फ्रंट से, तो कीलेस एंट्री मिलती है। चाबी इसके अंदर हमें वही मिलती है जो मारुति की चाबी हर गाड़ी में मारुति ऑफर करती है टॉप मॉडल के अंदर। इंटीरियर में कुछ ऐसा लुक मिलता है। उससे पहले अगर मैं आपको ड्राइवर साइड डोर पैड दिखा दूँ एक बार, तो ड्राइवर साइड डोर पैड का लुक कुछ ऐसा मिलता है। फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है, सिल्वर लाइनिंग मिलती है, क्रोम हैंडल, चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन, चाइल्ड लॉक सेफ्टी इसके अंदर मिल जाता है, लॉक अनलॉक के बटन, ओ आर वी एम कंट्रोल्स। नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक लीटर की पानी की बॉटल, कुछ इसके अंदर हमें मैप या आप डॉक्यूमेंट स्पेस कह सकते हो, चार स्पीकर मिल जाते हैं इसके अंदर, दो ट्विटर मिल जाते हैं। तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। एक बार अंदर से बैठ के चेकआउट करते हैं इसके डैशबोर्ड का और फीचर्स का लुक। तो इंटीरियर में लुक अगर मैं कंसीडर करूँ इसका, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। प्रीमियम लुक है, गाड़ी प्रॉपर एक फीलिंग देती है कि आप प्रॉपर एक एसयूवी गाड़ी चला रहे हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेयरिंग व्हील की, तो कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर मिलता है, डीकट स्टेयरिंग व्हील मिलता है सिल्वर लाइनिंग के साथ, जो हर गाड़ी के अंदर मारुति के अंदर ऑफर करा जा रहा है फिलहाल। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो प्रॉपर इसके अंदर आपको मीडिया कंट्रोल्स दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल दे रखा है, साथ ही साथ पैडल शिफ्टर दे रखा है, मतलब 6-6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, टॉक कन्वर्टर। उसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर का प्रोविजन भी मिल जाता है मारुति की तरफ से, तो आपको हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो स्टीयरिंग व्हील की अगर नीचे बात करूँ, तो यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। एचयूवी के इसके अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक स्क्रीन निकल के आ जाती है ऊपर, वो सारा फीचर यहाँ पे हमें मिल जाता है। व्यू का 360 व्यू का हमें यहाँ पे फीचर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ, आइडल जो इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड वर्क करता है, साथ ही साथ हेडलाइट लेवलर यहाँ पे हमें मिल जाता है। जो इसके अंदर एसी वेंट्स की आउटलिंग दे रखी है वो सिल्वर कलर की स्किट के साथ दे रखी है। यहाँ पे टैन ब्राउन कलर का इसके अंदर इंटीरियर थीम दे रखी है मारुति की तरफ से। जो इसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वो काफ़ी अच्छे टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के साथ मिल जाता है। बीच में एमआईडी स्क्रीन मिलती है, तो कुछ ऐसा इसके अंदर लुक निकल के आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। स्टीयरिंग व्हील जो इसके अंदर मिलता है वो मैंने आपको बताई दिया, लेदराइट स्टिच मिलता है। जो इसके अंदर वाइपर कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जो इसके अंदर हेडलाइट कंट्रोल्स हैं वो ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ यहाँ पे प्रोविजन कर देती है मारुति। तो डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो 9 इंची की इसके अंदर हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, आर्कमिडीज की इसके अंदर स्क्रीन मिलती है। हार्मन कार्डन की अब नहीं आती है, वो बेस वेरिएंट में ज़रूर से मिल जाएगी आपको, बट टॉप वेरिएंट आप उसका लेंगे तो आपको हार्मन कार्डन की जगह आर्कमिडीज की मिलेगी। नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इसके अंदर ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स आपको मिल जाते हैं। सेंटर में इसके अंदर हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है आपको। डैशबोर्ड का लुक मैंने आपको चेकआउट करवाई दिया। अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, आपकी जो ड्रिंक्स हैं वो ठंडी की ठंडी रहेंगी। बात करूँ आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट भी बहुत अच्छा बड़ा मिल जाता है इसके अंदर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है। स्टोरेज के साथ मिलता है, दो कप होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, मैनुअल हैंडब्रेक मिलती है क्रोम ट्रिप के साथ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी जरूर से मिल जाती है, मतलब मारुति डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यूएसबी सॉकेट भी मिल जाता है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ लैंप मिल जाता है, और साथ ही साथ बीच में जो इसके अंदर है वो सनरूफ है इसका, उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये शेड है, ये मैनुअली हटेगा और बाकी सनरूफ जो वर्क करेगी वो यहाँ से प्रॉपर वर्क करेगी। सनवाइजर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मिरर के साथ मिल जाता है, लाइट के साथ, और ड्राइवर साइड भी कोई मिरर नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर का प्रोविजन है। तो ये कुछ था इसके अंदर सनरूफ का लुक। अगर आप देखना चाहें एक बार, तो काफ़ी अच्छी डिसेंट साइज़ में सनरूफ इसके अंदर मिल जाती है।
अगर मैं साइड ऊपर की यहाँ पे हायर बीम की बात करूँ तो ऑटोमेटिक हायर बीम मिल जाता है इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें तो, ये ऑटोमेटिक हायर बीम का प्रोविजन है। तो ये कुछ था इसका इंटीरियर से लोग, क्या फीचर्स के अंदर मारुति ऑफर कर देती है अपने टॉप मॉडल के ब्रेजा के अंदर। तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड, क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके अंदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं और सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। बात करते हैं, ये था इसका प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आते रहेंगे चैनल पे। और कोई भी अगर डाउट हो गाड़ी से रिलेटेड तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।